जय हिंद दोस्तों, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं अद्वैत देशपांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर ये पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में रजिस्टर्ड एक मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाली यानी कि सैनिकी प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षण संस्था है। साथ ही साथ समाज में युवाओं और युवतियों को सिविल कमांडो ट्रेनिंग देकर हम समाज के लिए एक जागरूक और शिस्त प्रिय नागरिक निर्माण करने का कार्य भी करते हैं। दोस्तों, आज पूरे देश में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी छाई हुई है। एजुकेशन पूरी करने के बाद भी युवाओं को अच्छी तरीके से रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं, और वहीं पर दूसरी जगह हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 25,000 से ज्यादा अफसर और उससे कई गुना ज्यादा सोल्जर्स की जगह रिक्त रह जाती है, वहां पे पूरी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ही बढ़िया रोजगार के अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है। यहां दोस्तों, जब एक युवा छात्र या छात्रा लेफ्टिनेंट के तौर पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते हैं तो उनकी स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वही करीबन 35,000-40,000 से शुरू होती है। साथ ही साथ आपको फौज में, भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद में रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मकान मिलता है, आपका पूरा राशन का खर्चा गवर्नमेंट करती है, आपके बच्चों के एजुकेशन का खर्चा भी गवर्नमेंट करती है। साथ ही साथ जो लोग अफसर के तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होंगे उनके लिए साल में एक बार हवाई जहाज से यात्रा भी फ्री होती है, कई सारे सैलरी के अलावा कई सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसके लिए अलग से अलाउंसेस आपको होते हैं। आप यूनाइटेड नेशन की ड्यूटी में जाकर अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी एजुकेटेड, लेकिन ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। या दोस्तों, आप या तो साइंस ग्रेजुएट हो या आर्ट्स ग्रेजुएट हो या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फिर आप डॉक्टर हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज आज उपलब्ध है इंडियन आर्म फोर्सेस में। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, किसी कारणवश आप आपकी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, फिर भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। जैसे कि आप जवान के तौर पर सोल्जर ड्यूटी के लिए ज्वाइन हो सकते हो, सोल्जर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ट्रेड्स, या महिलाओं के लिए भी जिनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन नहीं है उनके लिए भी आप महिला सैन्य पुलिस के तौर पर भर्ती होकर आपके लिए खुद के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा रोजगार उपलब्ध करा सकते हो। और साथ ही साथ अत्यंत आवश्यक ऐसी देश सेवा भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भर्ती कैसे होती है, कहां पर भर्ती है, इसकी जानकारी हमारे युवाओं को उपलब्ध नहीं होती, इसलिए और उसके लिए क्या तैयारी करनी है, इसकी प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से हमारे कई युवा सैन्य के लिए आवेदन करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि वो वहां पे सिलेक्ट नहीं होते। इसीलिए इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से हम सोल्जर जीडी से लेकर अफसर के लिए एसएसबी ट्रेनिंग के लिए भी हम आपको ट्रेनिंग मुहैया करवाते हैं। इसके लिए हमारे कई सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शंस उपलब्ध है ताकि आप देश भर में कहीं पर भी हो फिर भी आप ये ट्रेनिंग ले सकते हो। काफी सारे ट्रेनिंग तो हमारे
अगर आपको फौज में भर्ती नहीं होना है, फिर भी अगर आपका खून गर्म है, अगर आप एक शिस्तप्रिय नागरिक है, तो आपको जरूर लेनी चाहिए हमारी सिविल कमांडो ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सिविल लाइफ में रहकर भी एक सोल्जर की जिंदगी जी सकते हो, सिर्फ इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के साथ में जुड़कर। इस सिविल कमांडो ट्रेनिंग में हम आपको परेड, ड्रिल, राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, सेल्फ डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि की और इमरजेंसी एक्यूप्रेशर टेक्निक्स, जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी दवाई के बगैर भी किसी की जान बचा सकते हो, ऐसी काफी सारी ट्रेनिंग सिविल कमांडो के तौर पे आप हमारे साथ ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस से या हमारे अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संपर्क करें। तो आइए, हमें इंतजार है आप सभी युवाओं का, देश के लिए सैनिक बनकर या सिविल कमांडो बनकर कार्य कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।